नमस्कार, इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं। सिरसा के नाथूसरी चोपटा में जो है कैंडल मार्च है वो निकाला जा रहा है शहीद आजम एसोसिएशन की ओर से। ये स्टूडेंट एसोसिएशन है जो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की है, और जो है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स एसोसिएशन की ओर से जो ये कैंडल मार्च है वो निकाला जा रहा है। तस्वीरें हम आपको नाथूसरी चोपटा की दिखा रहे हैं, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रविंदर गुदारा के सुसाइड के मामले को लेकर के आज जो है शहीद आजम स्टूडेंट एसोसिएशन है उसकी ओर से जो है ये कैंडल मार्च है वो निकाला जा रहा है। तमाम जो विद्यार्थी हैं, इसके साथ साथ स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। आसपास के इलाके के भी लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो शामिल हैं, और कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। और जो है खास करके दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो उसको लेकर के जो है उनको ये कहूँगा कि श्रद्धांजलि देने को लेकर के, और क्योंकि ये अनाज मंडी से शुरू होकर के ये कैंडल मार्च है चौधरी देवीलाल चौक तक जो है ये स्टूडेंट्स हैं वो पैदल चल करके कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, और रविंदर गुदारा को श्रद्धांजलि देने के लिए ये कैंडल मार्च है वो निकाला जा रहा है। इसके साथ साथ इन स्टूडेंट्स की ये मांग है कि आरोपियों के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो की जाए। हालांकि राजस्थान पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के FIR दर्ज कर ली है, लेकिन अभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आज शहीद आजम स्टूडेंट्स एसोसिएशन है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की, उसकी ओर से जो है कैंडल मार्च है वो निकाला जा रहा है। अनाज मंडी से कैंडल मार्च है वो शुरू हुआ है, और चौधरी देवीलाल चौक तक ये कैंडल मार्च है वो निकाला जा रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के सिरसा से, जहाँ पे जो है श्रद्धांजलि जो है दी जा रही है। मैं आपको तस्वीर इस वक्त दिखा रहा हूँ नाथूसरी चोपटा की, जहाँ पे चौधरी देवीलाल चौक तक जो है ये स्टूडेंट्स पहुँचे हैं हाथों में कैंडल लेकर के, और मांग कर रहे हैं कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त है वो कार्रवाई की जाए। तो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ इस वक्त नाथूसरी चोपटा की, जहाँ पे ये स्टूडेंट्स हैं वो रविंदर गुदारा की मौत और उसके बाद जो आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो की जाए, उसको लेकर के जो है ये कैंडल मार्च है वो यहाँ पे निकाला जा रहा है। हम उन स्टूडेंट से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सीधे तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं कि इस कैंडल मार्च में जहाँ चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हैं, शहीद आजम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन है उसकी ओर से, और इलाके के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो है चौधरी इस आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो भी इस कैंडल मार्च में शामिल हैं। सभी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने हाथों में कैंडल लेकर के कैंडल मार्च है वो निकाल रहे हैं, और मांग कर रहे हैं कि आरोपियों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बेसिकली ये कैंडल मार्च एक मीडियम है ये दिखाने का दैट वी होप फॉर जस्टिस, और सर को जस्टिस जल्दी मिले। और अगर आप लोग अलाउ करो तो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। सो माई सेल्फ दिव्यांशु, आई हैव डन माई 12th from Dayanand Senior Secondary School Chopta, and now I'm pursuing law from National Law University Sonipat. हमें हमेशा घर में और इवन टीचर्स ने भी सिखाया है, गुरु र ब्रह्मा, गुरु र विष्णु, गुरु र देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मय श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु यानी कि टीचर सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, और वो भगवान सम्मान होते हैं। बट कुछ लोगों ने अपने सेल्फिश मोटिव के लिए उन्हें इतना बैडली हैरेस किया और उनको एक्सप्लॉइट किया दैट ही वॉज कंपेल्ड टू एंड हिज लाइफ। आज इतने लोग, लाखों बच्चे कैपेबल हैं कि वो अपने राइट्स दुनिया के सामने रख सके, पर जब रविंदर सर का बेसिक राइट जो उन्हें संविधान ने दिया है राइट टू लिव विद डिग्निटी छीना जा रहा था, तब कोई भी सामने नहीं आया। और सामने ना आने की वजह से सबने मीडिया ट्रायल के बेसिस पे अपनी जजमेंट दे दी। ना ही तो मीडिया कोर्ट है और ना ही आप जज हैं। जो आज 21st सेंचुरी में हम लोगों ने किया है वो हमने एक शिक्षक की शिक्षा के अगेंस्ट गुरु दक्षिणा दी है। क्या यह एक मीडियम है 21st सेंचुरी में गुरु दक्षिणा देने का? बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, अभी भी कर रहे हैं, कि जो कुछ भी हो रहा है या जो पेरेंट्स ने किया, उन रिपोर्टर ने किया, वो बिल्कुल सही था, उनके हक के लिए था। तो उन सभी लोगों के लिए मुझे दिल से बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि आंखें होते हुए भी उन लोगों को यह दिखाई नहीं दे रहा दैट इट वॉज़ नॉट अबाउट मार्क्स,
इट वॉज अबाउट हाउ टू टार्निश द इमेज ऑफ एन इंस्टीट्यूट एंड अ रेप्यूटेड मैन. अगर रविंदर सर को इंसाफ नहीं मिलता है तो उसमें ना ही रविंदर सर की हार है और ना ही हमारी हार है, उसमें भारत जिसे विश्व गुरु कहा जाता है उसकी हार है. क्योंकि जिस विश्व गुरु में गुरु की इज्जत ना हो, उन्हें न्याय नहीं मिल सके, उसे कोई हक नहीं है अपने आप को विश्व गुरु कहकर किसी दूसरे देश को सिखाने का. आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी व्यूअर्स, स्टूडेंट्स और यूथ से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके इस न्यूज़ और प्रोटेस्ट को शेयर किया जाए, ताकि हमारी आवाज़ दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री जी और चंडीगढ़ में बैठे मुख्यमंत्री जी, संपूर्ण मिनिस्ट्री, स्पेशली एजुकेशन मिनिस्ट्री तक पहुंचे और नेशनल मीडिया तक पहुंचे, ताकि हमें जल्द से जल्द न्याय मिल सके. बिकॉज जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, एंड इट इज़ हाई टाइम टू स्टैंड अप एंड रेज योर वॉइस फॉर अ टीचर हु हैज शेप्ड योर लाइफ. थैंक यू. जिन्होंने हज़ारों बच्चों के घरों में ज्ञान का दिया जलाकर रोशनी की, आज उन्हीं के लिए हम सब लोग कैंडल मार्च के माध्यम से एक साइलेंट बट पावरफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि हमें इंसाफ मिल सके. आई हैव नॉट स्टार्टेड इन रविंदर सर स्कूल, बट आई नो हिम पर्सनली एंड आई कैन से दैट ही वॉज अ वेरी पैशनेट एजुकेशनलिस्ट. हिज ओनली एम वॉज टू फ्रेम शेप द फ्यूचर एंड लेट द स्टूडेंट्स अचीव देयर ड्रीम्स. लेकिन भारत में क्या होता है ना, अगर कोई इंसान तरक्की करता है या कोई अच्छा होता है तो हज़ारों लोग मिलकर उसका पैर खींचकर उसे पीछे धकेल लेते हैं, और यही हुआ रविंदर सर के साथ. मैं प्रियांशी आप लोगों के चैनल के माध्यम से अथॉरिटीज़ से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो प्लीज़ इस मैटर को देखें और जितना जल्दी हो सके इसके अगेंस्ट एक्शन ले, ताकि हमें इंसाफ मिल सके. और मेरी आप सभी से एक विनती है कि प्लीज़ सिर्फ किसी एक इंसान को सुनकर अपनी जजमेंट पास मत करें. जैसे कि पहले रविंदर सर थे, तो जिन रिपोर्टर ने उनके बारे में बोला, आप सब ने सुनकर उसको रविंदर सर को गलत ठहरा दिया कि रविंदर सर गलत है. और अब जब रविंदर सर हमारे बीच नहीं रहे, आप उस रिपोर्टर को कह रहे हो कि अरे वो रिपोर्टर गलत था. अगर आप पहले ही एनालाइज कर लेते कि कौन सही है और कौन गलत, और रविंदर सर के रहते कह देते कि रविंदर सर सही ही है, तो आज हमें रविंदर सर को ठोना ना पड़ता. थैंक यू. बहुत माड़ी बात है, यूँ माड़ी बात और की होगी चोपटेगा माँ जिका पढ़ा अठे में अंग्रेजी में यहाँ अंग्रेजी पढ़ाने खातर देहरादून गालता टावरन, और वो स्कूल खुले जो हमारा बच्चा अंग्रेजी बोला जी यूँ अच्छी और के बात होगी जी. तो आप यहीं मतलब यहीं रविंदर सागे को नहीं हो, सारा सागे ही हो है यूँ माड़ो और के होगा जी, माने यूँ बुरो दिन देखने और के मिलो के बोला जी, बोलन जोगा माने छोड़िया ही को नहीं. हाँ जी भाई साहब. जय हिंद. वंदे मातरम सभी साथियों को. शहीद आजम स्टूडेंट एसोसिएशन चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी एक ऐसा छात्र संगठन जो लंबे समय से चाहे किसानों का मुद्दा हो, सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ टिकरी बॉर्डर पहुंचे, चाहे लॉकडाउन में 107 दिन कंटिन्यू लंगर चलाया हमारी टीम ने, सिर्फ भाईचारे के सहयोग से, कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, कोई बड़ा पॉलिटिकल किसी परिवार से नहीं जुड़ा हुआ, सिर्फ भाईचारे के सहयोग से. और आज सिरसा से 25 किलोमीटर दूर नाथूसरी चोपटा शहीद आजम स्टूडेंट एसोसिएशन के सभी साथी जो आसपास गांव से आए हैं या सिरसा से आए हैं, वो सिर्फ एक ही डिमांड लेके आए हैं कि किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए इस देश में. इस देश में लोकतंत्र है, कानून है, और एक आदमी जो पत्रकारिता का नाम लेकर किसी भी बंदे को इतना ब्लैकमेल कैसे कर सकता है कि वो उसको सुसाइड करनी पड़े. और हम ये कहेंगे सुसाइड नहीं है, मर्डर है. इसकी जांच होनी चाहिए अच्छी तरीके से कि क्या आपके पास क्या मतलब डिग्री है आपके पास. यूनिवर्सिटी में एक बच्चा 5 साल ख़राब करता है, 5 साल मास कम्युनिकेशन करता है, जर्नलिज्म की डिग्री लेता है, उसके बाद वो एक्सपीरियंस लेता है, उसके बाद वो पत्रकारिता में आता है. और पत्रकारिता इस देश का चौथा स्तंभ है. जब कानून भी आवाज़ ना सुने, समाज भी आवाज़ ना सुने, और पत्रकार और मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो एक गरीब की, दबे कुचले की, ज़रूरतमंद की आवाज़ पूरे देश में पहुंचती है, वह पत्रकारिता, उसको ब्लेम किया इस आदमी ने, अनमान पूनिया ने. इसकी जांच होनी चाहिए अच्छी तरीके से. और इसके इसने कितने लोगों को ब्लैकमेल किया हुआ है उनका भी पता चलना चाहिए कि कुछ चीज़ तो फूट जाती है और कुछ अंदर रहती है. बहुत सारा ऐसा सिस्टम भी है, क्योंकि एक हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां रविंदर गोदरा जी जैसे जो एक शिक्षण संस्थान चला रहे थे, इस 50-60 किलोमीटर के एरिया के बच्चों को एजुकेशन दे रहे थे, तो उनको ऐसा क्या फील हुआ
कि उनको अपनी जान देनी पड़ी, ऐसी क्या बात थी। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे और हर उस जागरूक इंसान से कहेंगे कि देश आज़ाद है, लोकतंत्र है, कानून है, आप स्वतंत्र हैं और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ये सोशल मीडिया है। आप अपनी बात रखिए, आपके साथ कहीं गलत हो रहा है। और हम एक विश्वास दिलाते हैं, सबसे पहले कानून है, उसके बाद समाज है, और कोई नहीं है तो हम हैं। हम हर उस ज़रूरतमंद के साथ, हर उस गरीब के साथ और हर उस दबे कुचले इंसान के साथ खड़े हैं जिसको कोई दबाने की कोशिश करता है। पहले भी खड़े रहे हैं, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। अब कुछ दिन पहले हमारे साथियों ने हनुमान पूनिया के साथ जो घटना हुई, हमारे कुछ साथियों के नाम आए, पर किसी ने जानने की कोशिश की, वही मीडिया ने दिखाया कि हमला हमला, पत्रकारिता पर हमला। आप भी तो पत्रकार हैं, आपको हम झुक के सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, तो पत्रकार में भी तो फ़र्क होता है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, पत्रकार और पत्रकार में भी फ़र्क है। तो वही चीज़ है कि जो उस टाइम जो भी घटना हुई, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि एक आदमी मजबूर हो के क्या करेगा, आप बताइए। तो हम ये जो कैंडल मार्च है, उसका उद्देश्य है रविंद्र गोदरा जी की आत्मा को शांति मिले और एक समाज में मैसेज जाए कि गलत के खिलाफ एकजुट संगठित होकर आवाज़ उठाना सीखिए, क्योंकि उसूलों पर बात आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। आज यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला गया है, रविंद्र गुदारा है उनके सुसाइड के बाद, और आरोपियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग है वो यहाँ के लोगों ने की है। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।